जिस दृश्य को आप देखने जा रहे हैं यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है यदि आप एक माइनक्राफ्ट के अनुभवी प्लेयर हैं तो। इसलिए इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पर देखें। इस वीडियो के निर्माता आपकी किसी भी शारीरिक या मानसिक हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल प्रो फायर गेमिंग पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो माइनक्राफ्ट में आपकी जिंदगी को बहुत इजी बना देंगे। तो दोस्तों, चलिए हम हमारे इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नंबर वन ट्रिक है दोस्तों, उसके लिए आपको नेदर में जाना होगा। दोस्तों, नेदर में जाने के बाद आपको काम क्या करना है, आपको जो बेड ले लेना है अपना। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम नेदर में आ चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको बेड रखना है और बेड पे क्लिक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सो गया हूँ, पर दोस्तों मैं उठूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल ओवर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से आपको जाना है ओवर वर्ल्ड में, तो आप ऐसे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो दूसरा नंबर का ट्रिक है दोस्तों, आपको ऐसे चमकते हुए क्रीपर जब भी दिखे उनके पास आपको तुरंत चले जाना है। आपको भले ही थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो फूटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे कितना सारा आइटम्स मिला है। गोल्ड मिला है, डायमंड्स मिला है, नेदरराइट मिला है, मतलब आप एकदम इजीली ये सब ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला ट्रिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंड पोर्टल खुला हुआ है। दोस्तों, आपको एंड पोर्टल में चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे वॉइड में कूद जाना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आप वॉइड में कूदेंगे आप वापस ओवर वर्ल्ड में आ जाएंगे, पर आप पानी में गिरेंगे दोस्तों, इसलिए आपको डैमेज भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक बाय बाय।